नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फनटेक बूम पर। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और लेके आ गया हूं आपके लिए एक और कमाल की वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, आज है सैटरडे और हमारे सैटरडे को लेके आते हैं अपने वीकली टॉप टेक अपडेट सीरीज की एक नई वीडियो, जिसमें आपको पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते तक काफी अच्छे अच्छे अपडेट सुनने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी न्यूज सुनने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपका टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको इस वीडियो में भी काफी अच्छी अच्छी न्यूज सुनने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के धमाकेदार टेक अपडेट्स। अपडेट को लेके पहला अपडेट आ रहा है YouTube की तरफ से। जी हाँ, YouTube की तरफ से YouTube पर अपडेट आ रहा है कि अब जो लिमिट लगी हुई थी वीडियो की क्वांटिटी की 480p तक, अब वो हट गई है। लेकिन कुछ रूल्स रखे गए हैं कि अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड करते हो अपने फ़ोन को तो ही आप लिमिट बढ़ा सकते हो, 1080p तक भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो अब भी आपको 480p की ही लिमिट देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग आ रहा है। जियो ने काफी सारी चीजें अनाउंस कर दी है, अपना जियो 5G, जियो ग्लासेस, जियो मार्ट, जियो टीवी प्लस और भी काफी सारी चीजें करी हैं। दोस्तों जियो 5G जल्दी इंडिया में आ सकता है। जियो मार्ट जो कि एक ऑनलाइन सर्विसेज होने वाली है, आप कुछ भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। दोस्तों इसके साथ साथ जियो ने अपने स्मार्ट ग्लासेस दिखाए हैं जो कि AR ग्लासेस हैं। अभी इसकी प्राइस और लॉन्च डेट कुछ नहीं बताया है। और दोस्तों काफी अच्छी चीज बताई है जियो टीवी प्लस, मतलब अगर आप हर महीने जियो मतलब Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, G5 प्रीमियम और काफी सारी अलग अलग चीजों का प्रीमियम लेते हो तो आपको बस एक ही प्रीमियम लेने का जरूरत पड़ेगा, वो होगा जियो टीवी प्लस। उसमें आपको सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपका Amazon प्राइम का हो या वो नेटफ्लिक्स का। तो बात करते हैं अगले अपडेट को लेके जो कि इतना अच्छा नहीं आ रहा है। Redmi की तरफ से Redmi Note 8 जो कि लॉन्च हुआ था 10,000 रुपए की कीमत पे, कीमत बढ़ा बढ़ा के वो 12,000 तक पहुंच चुका था। एक बार फिर से उसकी कीमत बढ़ चुकी है 500 रुपए से, तो 12,500 का हो चुका है। तो अब ये वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल नहीं रहा है, फोन भी बहुत पुराना हो गया है। थोड़े बहुत ऊपर पैसे खर्च करके MI के ही और फोन आ जाते हैं, रियलमी के आ जाते हैं, सैमसंग के भी अच्छे अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप Redmi Note 8 बाय करने की सोच रहे थे तो बिल्कुल मत भरना, क्योंकि 10,000 रुपए की कीमत में काफी अच्छा फोन था लेकिन अब 12,500 का बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर जो कि वो भी काफी इंटरेस्टिंग आ रहा है। iQOO की तरफ से iQOO ने अपना लॉन्च कर दिया 120 वाट का चार्जर। मतलब अभी तक मार्केट में 65 वाट के चार्जर आते थे जो कि 35 से 40 मिनट में फोन को चार्ज कर देते थे, तो दोस्तों अब आपके फोन 15 से 20 मिनट में चार्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों और कंपनियां भी पीछे कहां रहने वाली थी, ओप्पो और रियलमी ने सेम ही चार्जर निकाला है, बस ब्रांड का स्टीकर अलग अलग लगा दिया है। 125 वाट का चार्जर उन्होंने भी ऑफिशियली दिखा दिया है कि हम भी 125 वाट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी को जल्दी इंडिया में लाने वाले हैं। तो बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से, ये लीक निकल के आ रहा है कि रियलमी का 6000 mAh बैटरी वाला फोन जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। दोस्तों कैसा होगा कि अगर 6000 mAh वाला बैटरी वाला फोन उसी में 125 वाट का चार्जर सपोर्टेड हो तो दोस्तों कितना अच्छा हो जाएगा कि आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिल रहा है और 20-25 मिनट में वो फोन फुल चार्ज हो जा रहा है अगर अच्छी कीमत पे आ जाए तो। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। जैसा कि आप जानते हो हमने पिछले टेक अपडेट्स में बताया था कि MI का एयर कंप्रेसर लॉन्च हो सकता है, तो दोस्तों वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है 2300 रुपए की कीमत में। ये 3 मिनट में साइकिल के टायर में हवा भर देता है और 6 मिनट में गाड़ी के टायर में हवा भर देता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा ओवर प्राइस लगा, अगर 1500 तक का आता तो काफी अच्छा होता। आप बताना कि आप इसको लेके एक्साइटेड हो या नहीं। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। अगला अपडेट आ रहा है दोबारा रियलमी की तरफ से। रियलमी ने इसी हफ्ते अपना लॉन्च कराया रियलमी C11 और उसका एक नया पावर बैंक। पावर बैंक काफी अच्छा है, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और दोनों की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप फोन बाय करने की सोच रहे हो तो वहां से जाकर देख लेना। दोस्तों रियलमी ने C11 नाम तो ऐसे रखा था 3 के बाद सीधा 11, जैसे कि बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों ये रियलमी C3 से भी बेकार निकला। पहले रियलमी C3 7,500 रुपए की कीमत पे आता था, उन्होंने एक महीना पहले 7,500 से 10,000 रुपए कीमत कर दी रियलमी C3 की और फिर एक डाउनग्रेड फोन लॉन्च कर दिया रियलमी C11 नाम से। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी रियलमी की मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई। तो बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus की तरफ से। अगर आप OnePlus Note के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों OnePlus Note का डिजाइन भी लीक हो गया आ चुका है, आप फोटोज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों डिजाइन तो काफी ठीक ठाक सा लग रहा है, देखते हैं फोन कितना तगड़ा होने वाला है क्योंकि इसकी हाइट काफी ज्यादा बन गई है। दोस्तों इसके साथ साथ एक ऑफिशियल अपडेट भी निकल के आया है, जो OnePlus के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स होने वाले हैं उसमें 30 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा, मतलब दोस्तों काफी अच्छे होने वाले हैं दोनों ही प्रोडक्ट।
दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर। अगला अपडेट आ रहा है सोनी की तरफ से, सोनी प्ले स्टेशन। दोस्तों सोनी का ये कहना है कि जो PS5 आएगा वो अभी तक का सबसे हैवीएस्ट कंसोल होएगा 4.8 kg वेट के साथ। दोस्तों जो PS4 का वेट था वो था कुछ 2.8 kg और PS4 प्रो का जो वेट था वो था 3.3 kg। दोस्तों ये PS5 करीब करीब 5 kg वेट के साथ आने वाला है, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा भारी हो जाएगा। लुक्स तो काफी अच्छी लग रही थी जब सोनी ने इसको अपने लॉन्च इवेंट में दिखाया था, लेकिन इतना भारी कंसोल। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर। अगला अपडेट आ रहा है iQOO की तरफ से। iQOO का एक नया फोन आ सकता है iQOO U1 नाम से, जिसमें 4500 mAh की बैटरी हो सकती है और स्नैपड्रैगन 720G हो सकता है। तो दोस्तों ये 20,000 के अंदर अंदर शायद फोन आ सकता है, क्योंकि इसमें 720G प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों iQOO तो एक फ्लैगशिप कंपनी की तरह इंडिया में आया था, उसने एक ही फ्लैगशिप फोन निकाला, अब दोबारा मिड रेंज में क्यों आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। अगला अपडेट आ रहा है पोको की तरफ से। पोको का नया फोन आने वाला है, लेकिन वो नया नहीं होगा, रेडमी का ये फोन होगा, जो कि रेडमी 9C ग्लोबली लॉन्च हुआ है। वो पोको M2 बन के इंडिया में आ सकता है। दोस्तों पोको कब अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट फोन निकालेगा मुझे नहीं पता। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। अगला अपडेट आ रहा है वीवो की तरफ से। वीवो ने इस हफ्ते अपना एक लॉन्च इवेंट रखा था, वीवो X50 Pro और वीवो के TWS तो 6,000 रुपए की कीमत पे लॉन्च हुए। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा बाय करने के लिए। और X50 Pro काफी अच्छे फोन है, काफी अच्छे कैमरा के साथ आते हैं, बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स हैं, बहुत अच्छी डिस्प्ले, अच्छा डिजाइन, लेकिन प्रोसेसर में थोड़ी मार खा जाते हैं। दोस्तों अगर आप दोनों ही फोन में से कोई भी फोन बाय करने की सोच रहे हो तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में जाकर देख सकते हो अगर आपको इन फोन में से कोई भी फोन बाय करना है तो। तो बात करते हैं अगले अपडेट की, लास्ट अपडेट की, जो कि आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग M31S इसी महीने लॉन्च हो सकता है और लीक से कह रहे हैं 6 अगस्त को सेल पर भी जा सकता है। दोस्तों इसमें होने वाली है 6000 mAh की बैटरी और 64 MP का क्वाड रियर कैमरा। दोस्तों ये 19,000-20,000 रुपए की कीमत पे आसपास लॉन्च हो सकता है। दोस्तों सैमसंग काफी अच्छा काम कर रहा है अपनी MOA सीरीज को लेके। दोस्तों काफी अच्छे अच्छे फोन आ रहे हैं सैमसंग के, जितने की पहले नहीं आते थे। तो दोस्तों यही थे कुछ आज के अपडेट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा सबसे अच्छा अपडेट लगा। दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे डेली के डेली टेक न्यूज डालते रहते हैं, टेक अपडेट डालते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए की वॉचिंग फनटेक बूम।